डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथ सब्जेक्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 मतलब कि एपी को पढ़ रहे थे, और एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 तक के डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखते हैं कि आखिर उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एक स्कूल में शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार, जैसे मतलब स्कूल का कोई टेस्ट हुआ या क्विज हुआ, वहां पे शुरू का 7 प्राइज देने का विचार किया गया वहां के प्रिंसिपल के द्वारा। अब वो 7 प्राइज कौन ले सकता है? जो सबसे 7 बेहतर प्रदर्शन करेगा, जो सबसे पहले बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको जितना रुपया मिलेगा उससे 20 रुपया कम दूसरे वाला को, तीसरे वाला को 20 रुपया कम, चौथे वाले को 20 रुपया कम, पांचवें वाले को 20 रुपया कम मिलेगा। ऐसे करके टोटल राशि कितना होना चाहिए? 700 रुपये। जरा समझिएगा, इस सवाल में माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि इज इक्वल टू एक्स रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं। प्रथम पुरस्कार की राशि हम लोगों ने कितना माना? एक्स, ठीक है। अब एक्स रुपया हम लोग ये मान रहे हैं कि जो सबसे, चूंकि हम लोगों को कितना प्राइज देना है? 7 प्राइज देना है, और 7 प्राइज कैसे? जैसे मान लिया कि इसको दिया 50, तो इसको मिलेगा 20 कम, ठीक है। यानी कि हमें सवाल क्या बोल रहा है कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सातों का सातों पुरस्कार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम पुरस्कार कितना है? x। तो कुछ एपी इस तरीके से बनेगा, प्रथम पुरस्कार x है, फिर क्या बोला सवाल में कि शुरू का x है लेकिन बाद का दूसरा पुरस्कार जो होगा 20 रुपया कम हो जाएगा, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 20। उसी तरीके से तीसरा पुरस्कार कितना होगा? तो 20 रुपया और कम हो गया तो टोटल कितना हो गया? माइनस 40। अब 20 रुपया और कम हो जाएगा तो x माइनस 60, फिर 20 रुपया कम होगा x माइनस 80। ऐसा करके 7 प्राइज होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगला क्या होगा? x माइनस 100, ये 6 प्राइज हो गया, और x माइनस 120। यानी कि इस तरीके से टोटल कितना प्राइज हो गया? एक प्राइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आ रहा है? क्या बोला कि 7 प्राइज होना चाहिए, और पहला जो पुरस्कार की राशि है दूसरा उससे 20 कम है, फिर 20 कम है, फिर 20 कम है, ऐसे करके सातों प्राइज का मान हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है प्रश्न से बोल रहा है कि सातों प्राइजों को अगर जोड़ दिया जाए 700 रुपया होगा। सातों प्राइज को जोड़ दिया जाए तो सातों प्राइज में कौन कौन सा है? x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 700 रुपए। यानी कि x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस सबको जोड़ देने पे कितना आ रहा है? हम लोगों को सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? आप देख पा रहे होंगे, सबको अगर जोड़ा जाए तो हम लोगों को 700 रुपया होना चाहिए।
अब यहां से आप देख लीजिए खुद कि x कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 x टोटल 7 है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस में 20 माइनस 40, तो माइनस 60 60 60 120 120 और 80 200 और एक 300 और एक 420, यानी कि माइनस में 420 इक्वल टू 700। तो यहां पे 7x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 420, टोटल मिला के 7x का वैल्यू कितना हो गया, 7x का वैल्यू 7 4 1120, और x का वैल्यू कितना आया, तो 1120 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 = 5 2 7 × 7 = 4 2 7 × 6 = 160 रुपए प्रथम पुरस्कार होगा। तो इसमें बोल रहा ना कि सभी पुरस्कार का मान निकालना है, जितना भी पुरस्कार है सब पुरस्कार का मान निकालना है। तो सब पुरस्कार का मान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, अब प्रथम पुरस्कार कितना है x, x का मतलब 160, फिर दूसरा पुरस्कार पुरस्कार 20 घटाना है तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सब पुरस्कार हो गया। x का वैल्यू कितना आया 160, तो प्रथम पुरस्कार तो 160 होना चाहिए, अब उससे सब 20-20 कम है और सबको आप जोड़िएगा सातों पुरस्कार को, 700 आएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, 17 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। देखिए वायु प्रदूषण तो हम लोग जानते हैं, साइंस में पढ़े हैं कि पेड़ पौधे लगाकर कम किया जा सकता है, उसी तरीके से एक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए सोचा। अच्छा, स्कूल के अंदर भी लगाना है, स्कूल के बाहर भी लगाना है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। आप सोचिए कि अगर हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो हम 10 गो पेड़ लगाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है वो 8 पेड़ लगाएगा, इसका मतलब ये हुआ, लिखा हुआ है प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या का मतलब जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उतना उसको पेड़ लगाना है। अगर वो 5वीं क्लास में पढ़ता है 5 पेड़ लगाएगा, 8 क्लास में पढ़ता है 8 पेड़ लगाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, उदाहरण के लिए कक्षा एक का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, हाँ कक्षा एक में है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, बिल्कुल सही, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ऐसा जो है 12 तक चलता रहेगा। कक्षा कौन सा क्लास तक, 12 तक। चलिए सबसे पहले आप यहां पे समझिए कि कक्षा एक से पेड़ लगाने के लिए काम शुरू हुआ है और प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, ये भी बोला है, प्रत्येक कक्षा का कितना अनुभाग, 3 अनुभाग, यानी कि हमें दिया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब 3 अनुभाग का मतलब समझना है, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, जैसे आप पढ़ते होंगे कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं सेक्शन ए में, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं सेक्शन बी में है, तो सेक्शन का मतलब होता है क्लास वही है लेकिन सेक्शन अलग अलग होता है। तो बोला जा रहा है कि हर कक्षा का हर क्लास का कितना अनुभाग है, 3, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। अब सवाल ये बोल रहा है कि आप समझो जो कक्षा 1 में पढ़ता होगा, कक्षा कौन सा में, फर्स्ट में, जो कक्षा फर्स्ट में पढ़ता होगा उसमें कितना अनुभाग होता होगा, तो इसमें भी पहला अनुभाग,
दूसरा अनुभाग और तीसरा अनुभाग होता होगा ना, यानी कि कक्षा एक के लिए भी तीन अनुभाग, वैसे ही जो कक्षा सेकेंड में पढ़ता होगा, सेकेंड में पढ़ता होगा उसमें भी तीन गो अनुभाग है, एक दो तीन, सब में तीन तीन सेक्शन है। अगर मान लिया कि कक्षा, अगर कोई कक्षा तीन में पढ़ता है, कोई कक्षा थर्ड में पढ़ता है, आप समझो बात, उसमें भी तीन सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन तीन गो अनुभाग होगा, होगा ना। चलो अगर जो कक्षा एक में पढ़ता होगा तो प्रत्येक अनुभाग में उतना ही पेड़ लगाएगा, जो कि कक्षा वन में कितना फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो अनुभाग वन में भी एक ही को पेड़ लगेगा, अनुभाग टू में भी एक पेड़ लगेगा और अनुभाग थ्री में भी एक पेड़ मिलेगा। यानी टोटल मिला के पहली कक्षा में टोटल कितना पेड़ लगा, तीन पेड़ लगा। उसी तरीके से जो क्लास दूसरी में पढ़ता होगा उसमें भी टोटल तीन अनुभाग है, और चूंकि क्लास टू में पढ़ता है तो पहला वाला अनुभाग में भी दो गो पेड़ लगेगा, वो भी दो पेड़ लगेगा, ये भी दो पेड़ लगेगा, यानी कि टोटल मिलाकर क्लास टू से कितना पेड़ लगा, दो चार छह पेड़ लगा। वैसे ही जो क्लास थर्ड में पढ़ता होगा, तो हम तो जान रहे ना कि कोई भी क्लास हो उसका तीन गो सेक्शन है, और उस तीनों सेक्शन में पहले सेक्शन से उतना ही पेड़ लगेगा जितना क्लास में वो पढ़ता है। कौन से क्लास में पढ़ता है, ये थर्ड में, तो ये फर्स्ट में थर्ड पेड़ लगेगा, दूसरा वाला भी थर्ड लगाएंगे, तीसरा वाला भी थर्ड लगाएंगे, कुल मिलाकर कितना पेड़ लगा, नौ पेड़। ये क्लास वन में पेड़ लगाया गया पेड़ों की संख्या, क्लास टू के द्वारा पेड़ लगाया गया पेड़ की संख्या क्लास थ्री के द्वारा। वैसे ही चलते चलते, वैसे ही चलते चलते हम लोगों को कक्षा 12 तक पहुंचना है, 12th तक, सवाल समझिए, क्लास 12th तक। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 12th में भी तो तीन गो सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन में कितना पेड़ लगेगा, 12 पेड़, क्योंकि वो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12 पेड़ लगेगा। दूसरा वाला में भी 12 पेड़ लगेगा, तीसरा वाला में भी 12 पेड़ लगेगा, तो टोटल पेड़ कितने लग जाएंगे क्लास 12th से, 36। तब बोल रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या बताइए कि टोटल कितना पेड़ लगेगा अगर क्लास 12th तक भी शामिल होते हैं, 13th 14th क्लास नहीं है यहाँ पे, टोटल क्लास 12th तक ही पता करना है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के टोटल पेड़ कितना लगेगा। फर्स्ट क्लास से तीन गो लगा, दूसरा से छह लगा, तीसरा से नौ, तो टोटल को जोड़ के बताना है कि टोटल पेड़ कितना लगा। जब इतना चीजें आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे जो क्लास वन है, टू है, तीन है, उससे लगाया गया जो पेड़ है वो एक एपी के रूप में आ रहा है, तो उसके नीचे लिखिएगा अब एक एपी बन रहा है। वो कौन सा एपी भाई, तो पहला तो तीन है तो तीन लिखा, फिर दूसरी क्लास में छ लगा, तीसरी क्लास में नौ लगा, ऐसे करते करते क्लास 12th तक के टोटल पेड़ कितना लग रहा है, 36। अब हमें क्या करना है, टोटल पेड़ों की संख्या निकालना है। टोटल पेड़ों की संख्या का मतलब क्या हुआ, टोटल पेड़ों की संख्या का मतलब हुआ कि हमें योग निकालना है। तो आप समझ पा रहे ना, सवाल क्या बोला था कि फर्स्ट क्लास जितना भी क्लास है वो तीन सेक्शन में बटा है और सभी सेक्शन वाले उतना ही पेड़ लगाएंगे जितनी क्लास में पढ़ते हैं, वो दो क्लास में पढ़ते हैं तो दो दो पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही 12वीं क्लास तक टोटल कितना पेड़ लगेगा, तो इतना चीज देखो समझने के बाद आपको एक एपी पता चल गया। अब इस एपी में यहाँ पे क्या क्या दिया है भाई, तो ए का मान दिया तीन, डी का मान दिया बाद वाला में से पहले वाला, तो यहां पर डी का भी वैल्यू तीन हो गया। अंतिम पद कितना है, 36। तो हमें क्या निकालना है, टोटल पेड़, पेड़ों की कुल संख्या, इसका मतलब एसएन निकालना है। अब एसएन का फार्मूला कैसे लाओगे भाई, एसएन के फार्मूला में तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यहां पर तो एन पता नहीं है। सबसे पहले तुम चलना भाई ए एन बराबर 36, इस फॉर्मूला से चलना,
एन का तो फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, यहां से चल के तुम किसका मान निकालना, एन का मान। एन का मान निकल जाएगा तब एस एन का फॉर्मूला में चलना, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे चलना और फिर जो आंसर आएगा वो रियल हो जाएगा, हम लोगों को आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यानी कि देखिए इधर का जो क्वेश्चन है ना वो समझने वाला क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहे जरा देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिया गया है, तो कुल लंबाई इसका बताना है, कुल लंबाई बताना है। चलिए सबसे पहले देखिए फिगर का भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 18 है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, और कहीं एक सेंटर है। जैसे मान लिया कि यहां पे ए एक सेंटर है और यहां पर बी एक सेंटर है, दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो बिंदु है। अब ए को जब अर्धवृत्त तो जानते हैं ना कि अगर कोई किसी का केंद्र होता है तो ये वाला केंद्र के वजह से ये एक अर्धवृत्त बनेगा, ये एक अर्धवृत्त बनेगा। उसी तरीके से अगर इसका अगर एक पॉइंट बनाया जाए तो एक अर्धवृत्त ये बनेगा, किस पॉइंट के वजह से, काला वाला पॉइंट के वजह से काला वाला अर्धवृत्त और ब्लू वाला से ब्लू वाला अर्धवृत्त का मतलब समझ रहे हैं, वृत्त का आधा भाग। तो यहां पे सवाल क्या बोल रहा है कि बारी बारी से जो है ना केंद्र माना जा रहा है, अब की बार एक का केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त ऐसे होगा अर्धवृत्त। अब क्या बोल रहा है कि यहां पे जैसे ही आया तो अब बी को केंद्र माना जा रहा है, यानी कि अब इसको केंद्र माना जा रहा है, तो जब इसको केंद्र माना जा रहा है तो अब ये ऐसे होगा, देख पा रहे होंगे ना, ये अब बी का केंद्र हो गया, नीचे से बी का केंद्र, और अब जो ऊपर वो यहां से ऊपर जो चलने वाला है ए का केंद्र, यानी कि इधर त्रिज्या यहां ये है, तो अब यहां से ऐसे हो गया ए का, ए के वजह से। फिर हम लोग अगर बात करें तो अब जो यहां आ रहा है उसका केंद्र अब नीचे की ओर आने के लिए बी का केंद्र मानकर, तो बी का केंद्र का मतलब ऐसे, देख पा रहा हूं बी का केंद्र हो गया, ऐसे करके एक सर्पिल बन रहा है चारों तरफ, ठीक है, ऐसे करके एक सर्पिल बन रहा है, और ये जो सर्पिल बन रहा है, ठीक है, एक चारों तरफ सर्पिल बन रहा है जहां ए बी सेंटर है और बी भी सेंटर है। सवाल बोल रहा है कि हर बार यहां पे त्रिज्या जो है ना, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या बार बार बदल रहा है, और वो अर्धवृत्त कितना का त्रिज्या दिया है क्रमशः, तो इस फिगर के नीचे त्रिज्या कितना कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर कॉमा 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर ऐसे करके दिया है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा है। तो सवाल बोल रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का इसका टोटल लंबाई, लंबाई का मतलब इसका लंबाई, यहां फिर ऐसे गया फिर यहां से ऐसे आ रहा है, तो टोटल लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो आप समझो कि वृत्त का परिमिति कितना होता है, वृत्त का परिमिति होता है या परिमाप 2πr, कितना होता है 2πr, लेकिन ये वृत्त नहीं है,
ये एक अर्धवृत्त है, समझ रहे हैं? तो जब वृत्त का परिमाप 2πr होता है तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? तो जब वृत्त का परिमाप 2πr होता है तो अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि बार बार तो अर्धवृत्त बन रहा है ना, तो देखिए अर्धवृत्त कितना कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है अर्धवृत्त फर्स्ट, ठीक, और नीचे वाला एक सेकेंड अर्धवृत्त, फिर ऊपर वाला एक थर्ड अर्धवृत्त, फिर नीचे वाला फोर्थ अर्धवृत्त। तो पहले वाला का त्रिज्या कितना दिया सवाल में, 0.5, फिर दूसरे वाला का अर्धवृत्त का 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमें जो है सबका लंबाई निकालना है। आपको पता है ना कि वृत्त ये होता है, और वृत्त का परिमिति का मतलब क्या, इसको तो परिमिति कहते हैं, ये परिमिति है और यही ना लंबाई कहलाता है। तो अगर हमें वृत्त का परिमिति या वृत्त का लंबाई बोले तो हम लोग परिमिति निकालते हैं। तो यहां पे चूंकि अर्ध परिमिति है तो इसलिए अर्ध परिमिति का फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल फिगर समझ गए होंगे, फिगर मिटा रहे हैं हम। चलिए, तो चूंकि अर्ध परिमिति वृत्त का ना सॉरी चूंकि वृत्त का परिमिति कितना होता है, वृत्त का परिमिति जानते हैं हम लोग कि वृत्त का परिमिति बराबर 2πr होता है, ठीक है। इसलिए वृत्त का हमें यहां पे क्या है, सब अर्ध परिमिति बन रहा है ना, आधा ना बन रहा है, तो वृत्त का अर्ध परिमिति सॉरी अर्धवृत्त का ना अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमिति कितना होगा, तो जितना वृत्त का होता है उससे 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ गया, पाई गुना आर। इसलिए अब लंबाई का जो एपी हो गया, लंबाई का एपी बन गया क्या, ये तो त्रिज्या का एपी दिया था ना, तो लंबाई का परिमिति यानी कि लंबाई का एपी निकालने के लिए त्रिज्या में पाई से गुना करेंगे। तो पहला क्या बनेगा भाई, तो 0.5 था, तो यहां 0.5 पाई बन जाएगा। फिर क्या था, 1, तो 1 को पाई से गुना करेंगे पाई, फिर 1.5 पाई, फिर ऐसा 2 पाई, समझ पा रहे हैं, ऐसा करके अंत तक। फिर क्या बोला जरा देखते हैं, अगर ऐसा चलते रहे तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का, ऐसा अर्धवृत्त कितना, ये एक अर्धवृत्त हुआ, 2 अर्धवृत्त हुआ, 3 अर्धवृत्त हुआ, 4 अर्धवृत्त, ऐसा करके हमें बोल रहा है 13 अर्धवृत्त तक। तो ये पहला अर्धवृत्त का मतलब 1 पद, दूसरा अर्धवृत्त का मतलब 2 पद, तीसरा अर्धवृत्त का मतलब 3 पद, तो वैसे ही 13 अर्धवृत्त का मतलब 13 पदों तक, समझ में आ रहा है? तो अब 13 पदों तक यहां पे हमें पता चल गया, तो फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे यहां पे, यहां लिखिएगा a का वैल्यू, प्रथम पद कितना है 0.5π, डी का मान कितना, तो बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो पाई में से 0.5π घटाएंगे तो 0.5π बचेगा, ठीक है। और फिर एन कितना पदों तक भाई, तो 13 पदों तक, तो एन का वैल्यू 13। तो अब आपको सबका जोड़ निकालना है यानी कि एसएन निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला रख दीजिएगा, एन बाई टू मैंने कि 13/2 इन टू 2a का मतलब 2×0.5π, ठीक है, प्लस n-1 का मतलब 13-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 0.5π। और फिर क्या कीजिएगा, सब कुछ सॉल्यूशन करते करने के बाद पाई का मान तो जानते हैं ना 22/7 होता है, तो पाई के जगह पे 22/7 रख देंगे और जो कैलकुलेशन करके आएगा एसएन का मान हो जाएगा,
यानी कि n का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है 0.5 पाई, a का वैल्यू दिया है 0.5 पाई, सबका कैलकुलेशन करने के बाद पाई के जगह पे कितना रखिएगा 22/7, और फिर हम लोगों का टोटल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा समझने वाला चीज था कि हम लोग लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई का एपी कैसे बनाएंगे, ये चीजें पढ़ने के बाद आपको खुद से बनाना होगा, बाकी इधर की चीजें तो कोई भी कर सकता है। ए का वैल्यू दिया, डी का वैल्यू दिया, ध्यान रहे पाई का, पाई हम छोड़ दिए हैं, आप यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, या तो फिर उसको अंत में भी कर सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं, जैसी इच्छा है आपकी कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर 18 है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 कैसा बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लट्ठों का एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखिए 200 गो लट्ठा है, टोटल लट्ठा कितना है 200, आपके पास बुक है तो फिगर में भी दिया हुआ है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना लट्ठा है 20 लट्ठा है, उससे अगला पंक्ति में 19 हो जा रहा है, उससे अगला पंक्ति में 18 हो जा रहा है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा जा रहा है। अरे बहुत सिंपल सवाल तो है, आप समझे यहां पे एपी का वैल्यू, ठीक है, तो यहां पे जो एपी दिया है वो क्या दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि टोटल लट्ठा कितना है भाई, तो टोटल लट्ठा तो हमारे पास 200 है, लेकिन शुरू कहां से किया जा रहा है, शुरू 20 लट्ठों से किया जा रहा है जो कि सबसे नीचे रखा हुआ है, फिर ऊपर रखा है 19, फिर रखा है ऊपर 18, तो आप इसमें बुक में फिगर बनाया हुआ है लट्ठों के लिए, तो आप अगर बुक के फिगर को अपने कॉपी में बनाते हैं तो दैट इज अ बेस्ट, अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे फिगर नहीं बनाने वाले, आपको समझा देते, सिर्फ आप फिगर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। क्या बोला कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 गो लट्ठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर क्या बोल रहा है कि जैसे उसके ऊपर वाली पंक्ति, ये हो गया एक पंक्ति, ये एक पंक्ति हो गया, फिर ऊपर रखेंगे लट्ठा के ऊपर लट्ठा, इस बार हम लोग 19 रख रहे हैं, ये हो गया दूसरा पंक्ति, फिर ऊपर रखेंगे 18 तीसरा पंक्ति, फिर ऊपर रखेंगे 17 चौथा पंक्ति, समझ रहे हैं? वैसे ही बोल रहा है कि कितना पंक्ति रखा जाए कि टोटल लट्ठा गिनने पे 200 हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पे एपी कैसे बन रहा है भाई, एपी कैसे बन रहा है, तो यहां से हम लोगों का एपी 20 से बन रहा है, क्योंकि हम लोग सबसे अंत में 20 लट्ठा को रखे हैं। फिर क्या होगा उसके आगे, तो उसके आगे 19 रखेंगे, फिर 18 रखेंगे, फिर 17 रखेंगे, ऐसा कहां तक चलेगा नहीं पता, यानी कि 20 से फिर 19 से 18, 17, तो ऐसा कितना पंक्ति होगा, तो ये पहला पंक्ति हुआ, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, तो ऐसा कितना पंक्ति होगा, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू दे दिया है सवाल में 20, डी का मान निकाल सकते हैं बाद वाला में से पहले वाला, 19 - 20 यानी कि 1, और सवाल में हमें जोड़ का मान दिया है, एसएन का वैल्यू दिया है कि टोटल 200 लट्ठा होना चाहिए, तो एन का वैल्यू नहीं निकल जाएगा भाई, आप क्या करोगे, एसएन का फॉर्मूला एन बाय टू, टू ए, ए का वैल्यू 20, एन माइनस वन, तो एन का तो मान निकालना है तो छोड़ देंगे, एन माइनस वन इंटू डी में कितना, सॉरी माइनस वन होगा ना यहाँ पे, तो माइनस वन रख देंगे, बट बराबर में कितना 200, तो आप क्या करिएगा यहाँ पे एन को वैसे ही छोड़ देंगे और यहां से चलते 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 एन का मान निकाल लेंगे और जो एन का वैल्यू आएगा वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत सिंपल था, चलिए आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है जरा इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या बोल रहा है, एक आलू दौड़ में, आलू दौड़ एक प्रतियोगिता है ठीक है, एक क्विज है जिसको बोल सकते हैं। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है ठीक है, और जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, फिगर भी देख रहे हैं ऊपर बनाया हुआ है। अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 10 आलू रखा गया है, कितना आलू रखा गया है 10 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आलू रखा हुआ है। बोला जा रहा है कि 10 आलू रखा हुआ है तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। तब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए इससे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक सबसे पहला सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है, और इस सीधे रास्ते में टोटल 10 आलू रखा गया है, आलू खाने वाला, यानी कि 1 आलू 2 आलू 3 आलू 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 आलू रखा गया है ठीक है, और इसके आगे एक बाल्टी है, इसके आगे एक बाल्टी है ठीक है। एक बाल्टी है, अब इस बाल्टी में क्या करना है, एक प्रतियोगिता में जो भाग लेता है, और ध्यान रहे जो पहला आलू रखा गया है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और बाकी सब जो आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है ठीक है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 10 आलू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आगे बाल्टी रखा गया है, बाल्टी से पहला आलू के बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, और बाकी जो आलू है वो 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब एक आलू दौड़ का खेल हो रहा है, एक क्विज हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे करना है काम, हमेशा ये नहीं करना है कि हम जब चल दिए तो सब आलू को उठा लिए और एक बार बाल्टी में डाल दिए, वैसा नहीं है। सवाल बोल रहा है कि बाल्टी के पास से आपको चलना है, चलना कहां से है, कोई भी आदमी जब इस आलू दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेगा वो बाल्टी से चलेगा, पहला आलू जो मिलेगा उसको उठाएगा, फिर रखेगा, फिर चलेगा दूसरे आलू की तरफ, ये तो उठा लिया ना भाई, तो अब दूसरा आलू को उठाएगा, फिर आके वापस डालेगा, फिर तीसरा आलू को उठाएगा, ऐसे जाएगा, एक मतलब जाना है, एक आलू को उठाना है, फिर जाके डब्बा में रखना है, फिर चलना है, यानी बारी बारी से चलना है, एक आलू को उठाना है रखना है, ऐसा प्रतियोगिता का खेल है। तो मान लिया कि अगर ऐसा कोई खेल खेलता है तो ऐसा 10 आलू को उठाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एपी बनाएंगे, कैसा भाई एपी, समझो कि एक आदमी यहां से, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है, तो जैसे ही चला पहला में, जैसे ही चला तो पहला तो आलू तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना, पहला आलू जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहां से चलेगा 5 और फिर 5 आएगा, तो पहला आलू को उठाने में 10 सेंटीमीटर की दूरी लगा, पक्का समझ रहे हैं, अरे भाई यहां से चलेगा तो पहला आलू को उठाएगा और फिर वापस आएगा, तो 5 जाने में और 5 वापस आने में तो टोटल कितना हो गया 10। अब दूसरा आलू तो यहां है ना,
दूसरा आलू तो यहां है, तो फिर जाएगा, तो अब जाने में कितना, पांच और तीन आठ, और आठ वापस आने में, तो दूसरा आलू के लिए उसको दूरी तय कितना करना पड़ेगा, सोलह। समझ रहे हैं? फिर अब अगला आलू को उठाएगा, तो अगला आलू को पांच, पांच तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह जाने में और ग्यारह आने में, तो ग्यारह ग्यारह बाईस, क्योंकि दूरी ना, तो दूरी कब होगा, जब एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो पहला आलू के लिए दूरी, ऐसा दूसरे आलू के लिए, तीसरे आलू के लिए, आप देख लो चौथे आलू के लिए भाई, तो चौथे आलू के लिए यहां से यहां जाएगा, तो यहां तक की दूरी कितना, तो यहां से यहां पांच, पांच तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह, और चौदह आने में, क्योंकि सिर्फ एक एक आलू को तो रखना है ना, तो अगला हो गया चौदह दुना अट्ठाईस। ऐसे करके कई गो आलू उठाना है, हम एक गो आलू उठाए, दो गो, तीन गो, चार गो, ऐसा दस पदों तक, यानी कि दस गो आलू निकालना है, दस गो आलू उसको मैं बार बार जाके रखना है। तो अगर हम दस गो आलू के लिए निकाले तो टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, समझ में आ गया सवाल कि क्या बोला जा रहा है? तो यहां पे आप लिख दीजिए कि ए का वैल्यू दस, डी का वैल्यू बाद वाला माइनस पहले वाला, सोलह माइनस दस मतलब कि छ, और पदों की संख्या कितना, एन बराबर दस। तो इसलिए हमें कुल दूरी, कुल दूरी का मतलब दोस्तों एसएन निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो प्यारे छात्रों, हम लोग देख, जैसा कि जानते हैं अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, और समांतर श्रेणी वाले चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है, यानी कि ये पांचवा चैप्टर भी हम लोग का पूरा खत्म। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और बाकी की अगले क्लास में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और अगले दिन से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।